हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी ये सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल से हम 120 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसको यूपी पुलिस के लिए देख रहे हैं या फिर एसएससी जीडी के लिए। ये मतलब एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 120 प्लस सिर्फ वैदिक काल से क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कॉमेंट जरूर से करिएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। देखो, आपसे यही पूछेगा मतलब कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसको, किस मतलब इनका पीरियड कब तक था। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है ना, वो माना जाता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ या कुलीन होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें दिया है कौन सा सही नहीं है प्रारंभिक आर्य, वो संस्कृत बोलने वाले थे, ये तो एकदम सही है। वे घुड़सवारी भी किया करते थे, ये भी सही है। वो कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ऐसा नहीं, वो मुख्यतः नगरों में नहीं रहते थे, वो ग्रामीण मतलब उनका जो वो कल्चर था ग्रामीण था। अगर नगरों में पूछे तो ये हड़प्पा सभ्यता था, लेकिन ये लोग मतलब गाँव में रहते, और इनका मुख्य व्यवसाय जो था ना, पशुपालन और कृषि था। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऐसा कौन सा फसल है मतलब कि जिनके बारे में ये लोग नहीं जानते थे। देखो, जौ भी जानते थे, गेहूं भी जानते थे, चावल, लेकिन तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे, मतलब कि तंबाकू के बारे में वैदिक काल के लोगों को नहीं पता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी मतलब उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो श्रमण के नाम से ये लोग जानते थे, मतलब जो वेद विरोधी थे अध्यापक, तो श्रमण के नाम से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो मतलब वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है। तो जो ये वैदिक गणित है ना हमारा, इसका महत्वपूर्ण अंग जो है वो है शल्वसूत्र, शल्वसूत्र है इसका राइट आंसर है, शल्वसूत्र है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद, ऋग देखो हमारे वेद जो है ना वो चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और सबसे पुराना वेद जो है ना वो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। देखो, सही क्रम पूछ रहा है इसमें, क्या है सही क्रम, तो हमें सही क्रम बताना है इसमें। सबसे पहले देखो, वेद है, फिर ब्राह्मण है, फिर अन्यक है, फिर उपनिषद है। देखो, याद रखना आप, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप याद रखो, वेद है, फिर उसके बाद ब्राह्मण है, फिर उसके बाद अन्यक है, फिर उसके बाद उपनिषद है। तो ऐसे भी आप रख सकते हो, वी वी ए यू, मतलब वी वी यू, मतलब देखो वी जो है वो स्टार्टिंग में, यू भी जो है वो लास्ट में, मतलब देखो एकदम बहुत सही है। मतलब ये ट्रिक वी से हो गया हमारा, देखो सबसे पहले यू आता है लेकिन हमारा पहले स्टार्टिंग में वी होगा और यू हमारा लास्ट में होगा, लेकिन ए पहले आता है और फिर बी आता है, लेकिन यहाँ पे भी वी पहले आएगा फिर ए आएगा। तो इस ट्रिक से आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही क्रम है, वेद, ब्राह्मण, अन्यक और उपनिषद, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो हमने आपको बता दिया पहले, वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, मतलब ये हमारे चार वेद हैं। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रयी वेद कौन से कहलाते हैं। तो देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसी को त्रयी वेद कहा जाता है या फिर वेद त्रयी कहते हैं इस, क्योंकि जो अथर्ववेद है ना, इसका लास्ट में वो जो हुआ था रचना लास्ट में हुआ, और त्रयी वेद इसी को, इन्हीं तीनों को कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, फिर मुंडक उपनिषद से लिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इस पर पशुपालन लगाना है, क्योंकि उनका पशुपालन और कृषि था, लेकिन इसमें ऑप्शन अगर ए भी देता तब सही रहता, लेकिन इस पर पहले लगाना में पशुपालन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पशुपालन।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो देखो भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, सामवेद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता जो थे मनु थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मनु। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ क्या है? मतलब कौन सा ऐसा प्रथम ग्रंथ है जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है? तो हमारा जो है श्रीमद् भागवत गीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप था ना, वो गोधन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोधन था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद की किस मंडल में मिलता है शूद्र का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो दसवें मंडल में, दसवें मंडल में। इसका राइट आंसर है दसवां मंडल। पुराणों की संख्या कितनी है, मतलब कि पुराण जो है हमारे वो कितने हैं? तो हमारे 18 पुराण है, याद रखना आप लोग, 18 पुराण है हमारे, पुराणों की संख्या 18। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से मतलब किसकी उपासना था? मतलब वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो किसकी उपासना करते थे इनमें से? तो प्रकृति। तो इसका राइट आंसर है प्रकृति का करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? देखो इसमें मैंने टिक लगा दिया था, क्योंकि ऋग्वेद में देखो पुरंदर शब्द का प्रयोग जो किया गया था तो इंद्र के लिए किया गया था, इंद्र के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो अभी हमने देखा है युगड़ी से था, तो ज्यामिति, ज्यामिति से था, मतलब ज्यामिति से शुल्व सूत्र जो था वो ज्यामिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अस्तोमा, देखो अस्तोमा शदगम्य, देखो अस्तोमा शदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा शदगम्य जो है ना, ये हमारे ऋग्वेद से लिया गया, हमारा जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उससे लिया गया। वेदों का वेद भी कहा जाता है हमारे ऋग्वेद को, अस्तोमा शदगम्य जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत से मतलब कि आर्य जो थे वो भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, वो सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वेदों और मतलब वेदों और अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मतलब वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी मतलब इसकी रचना किसने की है? तो देखो इसकी रचनाएं जो है ना, इसकी रचना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना जो है देवताओं द्वारा की गई थी, पुरुषों के द्वारा नहीं की गई थी, मतलब कि इसकी रचना जो है देवताओं के द्वारा की। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है ना वो कर्णाद थे, महर्षि कर्णाद या फिर उलूक कर्णाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो देखो मीमांसा जब भी पूछेगा मीमांसा या पूर्व मीमांसा, तो जैमिनी है, जैमिनी है। अगर मीमांसा आप बोलेंगे ना, तो देखना पहले मीमांसा में बोलने पे ना आ रहा है ना, तो जैमिनी, लास्ट में जा है ना, ना है, तो याद रखना जैमिनी है मीमांसा के। अगला है, वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा, अब हमें ये पूछा है मतलब कि जो हमारा वेदांत हो गया फिर उत्तर मीमांसा, तो कौन है? वाद रायण है। इसका राइट आंसर वाद रायण है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो ये हमारा नौवां मंडल है ना, पूर्णतः सोम को समर्पित है नौवां मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो परुशनी के तट पर दस राजाओं का युद्ध हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी, 1/6 था, मतलब कि देखो 1/6 था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल को मतलब किस युग से जोड़ा गया है? मतलब जो ये 800 से लेके हो गया, मतलब 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? तो ये ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, मतलब इसका महत्व किस लिए है ये पूछ रहा है। तो इसका महत्व इसलिए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें चार मतलब वैदिक देवता मतलब इंद्र वरुण मित्र नास्य को उल्लेख मिलता है इसलिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी मतलब सर्वृत्ति को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र हमारा किस पुस्तक में मिलता है? तो हमारा गायत्री मंत्र जो है ना ऋग्वेद में मिलता है, और गायत्री मंत्र रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ।
न्याय दर्शन के को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो जो ऋषि गौतम थे, ऋषि गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निशक से जाने जाते थे, मतलब निशक नाम से किस चीज़ को जाना जाता था, याद रखना निशक जो था, अगर हम प्राचीन भारत में पूछेगा तो स्वर्ण आभूषण मतलब सोने की जो ज्वेलरी आभूषण थे उसको जानते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आप लोग सब भी जानते हैं योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो है वो पुस्तक किस चीज़ पे आधारित है? तो उपनिषद जो है ना वो हमारे धर्म पे आधारित है, तो सॉरी दर्शन पे आधारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दर्शन पे आधारित है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी नदी के बारे में इसमें बात किया? तो इसमें सिंधु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई है। लेकिन अगर पूछे सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, तो सबसे पवित्र नदी जो है ना वो मानी जाती थी वो सब मतलब सरस्वती को। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी तो सिंधु नदी है हमारी। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, उपनिषद काल के राजा जो थे अशुपति वो कहाँ के शासक थे? तो ये जो थे ना ये सिंध के शासक थे, मतलब इसका राइट आंसर जो है सॉरी इसका राइट आंसर ये है केकय के राजा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केकय के राजा थे। अगला जो क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? और नचिकेता और यम का संवाद पूछ लेता है किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है, तो ये जो है ना कड़ोपनिषद में हुआ। इसका राइट आंसर कड़ोपनिषद में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा, मतलब कुंभा जो है काबुल में थी, मतलब अफगानिस्तान का स्थान निर्धारित होता है अफगानिस्तान में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में होता है। अगला जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक क्या है, तो कपिल मुनि जो थे ना उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो याद रखना अंतर्जी खेड़ा से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था, मतलब कौन सा किसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पे आधारित है? तो सामवेद का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सामवेद पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें भगवद गीता हमारा जो है वो शामिल नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो कर्म का जो सिद्धांत है ना वो मीमांसा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता, ये देखो पहले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, चरक संहिता जो है ना हमारा वो किससे संबंधित है? तो चरक संहिता हमारा चिकित्सा से संबंधित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो चलता है यजुर्वेद से पता चलता है। अगर संगीत वगैरह का रहेगा तो सामवेद, जादू टोना का रहेगा तो अथर्ववेद से पता चलता है। वैदिक युगीन सभ्यता, मतलब जो वैदिक युगीन सभ्यता थी वो कैसी थी? वैदिक युगीन जो सभ्यता थी मंत्रिपरिषद थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 55 नंबर का, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, मतलब वैदिक युग में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कैसी थी? तो गणतंत्र थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो हमने इसको देख लिया, ऋग्वेद। ऋग्वेद को वेदों का वेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा इसमें से क्या है ये पूछ रहा है, तो जो ये मतलब सॉरी इसमें जो है सांख्य जो है ये भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है सांख्य, देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई? तो वैदिक युग में हुई, कुछ गुप्त में थोड़ी हुई, कुषाण में भी नहीं, मौर्य में भी नहीं हुई, तो वैदिक युग में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मतलब आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड लाया गया था, आभूषण बढ़ई गिरी लाया, लेकिन लुहार गिरी नहीं लाया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, जो 61 नंबर का, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 6 मंडलों में जो है उनमें से किसको वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल और सातवें मंडल तक, मतलब दूसरे से लेकर सातवें मंडल तक को, मतलब क्या कहा जाता है, वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, किस वेद में, मतलब कौन सा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मतलब जादुई माया वशीकरण वगैरह का अथर्ववेद में, अर्थवेद में हमारा जो है उसमें है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी डी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 मतलब 63 जो क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किस चीज़ को इंगित करता है? तो हमारा जो आर्य शब्द है ना वो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश को, क्योंकि देखो आर्य शब्द का अर्थ भी यही होता है श्रेष्ठ या कुलीन, और आर्य शब्द इंगित भी करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपको पता है ऋग्वेद में, जो हमारा ऋग्वेद है ना उसमें पूरे 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में पूरे 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो आर्य जो थे वो कहाँ से आए हुए थे? तो आर्य जो थे ना वो मध्य एशिया से आए थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो आर्य हमारे जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? मतलब कि कौन से वेद का अंश जो है गद्य के रूप में भी, मतलब कि इसका गद्य के रूप में भी, मतलब कहानी के रूप में भी लिखा गया है? तो ये लिखा गया है यजुर्वेद को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद को। अगला हमारा क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, उनका उल्लेख मतलब कहाँ मिल, देखो पहली बात तो आप याद रखना, सभा और समिति जो थी ना ये प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, इनकी 2 पुत्रियों का क्या नाम है, सभा और समिति, और इसका उल्लेख कहाँ है ही, तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेद की जो ऋग्वेद युग की जो प्राचीनतम संस्था थी ना वो विद थी, विद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो सबसे मतलब सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो इसमें जो है ये है हमारा ऑप्शन बी, सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतपथ ब्राह्मण। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आए? मतलब ये गौत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में कब आए? तो उत्तर वैदिक काल में आई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में आई। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? देखो अनुलोम विवाह जो है ना उसका जो अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। देखो अनुलोम विवाह का अर्थ ये हुआ कि जो उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की नारी के साथ उसका विवाह, तो इसका राइट आंसर। और विलोम जो आएगा ना वो एकदम इसका उल्टा होगा, ये देखो प्रतिलोम, सॉरी प्रतिलोम विवाह जो है, प्रतिलोम जो विवाह है ना इसका मतलब एकदम उल्टा है, उच्च वर्ण की नारी और मतलब कि निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये आपको समझ में आ गया होगा इसका। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में य किसको कहा जाता था? देखो वैदिक युग में जो य था ना, य शब्द ये सब पूछता है। देखो य तो जौ को कहा जाता था, य जो है जौ को कहा जाता था, वहीं गाय को अगन्या के नाम से जाना। अब ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ब्रीही शब्द जो है हमारा चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल के लिए। अगला क्वेश्चन, अथर्व का अर्थ क्या है? देखो अथर्व का इस पे पूछा अर्थ क्या है, तो पवित्र जादू है, पवित्र जादू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी की जो रचनाकार है ना वो पाणिनी है, याद रखना अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं, मतलब प्राचीनतम जो हमारा व्याकरण है अष्टाध्यायी, उसके रचनाकार कौन है? तो पाणिनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मनुस्मृति प्राचीनतम है? मतलब कौन सी मनुस्मृति जो है वो प्राचीनतम है? तो ये मनुस्मृति, मतलब ये सॉरी स्मृति कौन सी प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है ना वो हमारे रामायण को दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामायण को। अगला जो देखो रामायण जो है ना, पहले देखो महाभारत, महाभारत की रचना जो की थी महर्षि वेदव्यास ने की थी, और रामायण की रचना जो है ना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन रामचरितमानस की अगर रचना पूछेगा तो तुलसीदास ने की थी, तुलसीदास ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण क्या है? प्राचीनतम पुराण जो है ना वो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण जो है वो प्राचीनतम पुराण है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना? देखो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जिसको माना गया है ना वो सरस्वती है, सरस्वती को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? मतलब ये जो वैदिक समाज थी इसके आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुल और या फिर कुटुंब, कुटुंब में थी मतलब।
अगला जो हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन है, वरिग वैदिक काल उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। मतलब कि इसमें पूछा सबसे ऋग वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थी जिसकी मतलब कि हर सूक्ति में मतलब इनका वर्णन 250 बार हुआ है, तो वो इंद्र भगवान थे। इंद्र इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इंद्र थे। अगला क्वेश्चन है जो किस वेद में सभा को नरिष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है। मतलब किस वेद में कहा गया है सभा को नरिष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है, तो कौन से वेद में कहा गया है, तो ये अथर्व वेद में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्व वेद में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को शूरा और पांशा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो मैत्रायणी संहिता में। मैत्रायणी संहिता में देखो नारी को जो ना शूरा और पांशा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। देखो ऋग्वेद में ना जो था ये पितृसत्तात्मक था, इसमें महिलाओं को बहुत कम मतलब कि वो मिलता था, महिलाओं गए और शूद्र हो गए उनको एक बराबर समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो जो उत्तर वैदिक काल में जो सर्वोच्च देवता जो थे ना वो प्रजापति थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रजापति। प्रजापति को मतलब एकदम वो प्राप्त था, ये एकदम मेन भगवान थे। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है, तो देखो हमारे हिंदू धर्म में जो संस्कार है हमारे ना वो हमारे 16 संस्कार आप लोग याद रखिएगा, हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं 16 संस्कार, संस्कारों की कुल संख्या 16 है ये भी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, मतलब कौन सा मृदभांड संस्कृति है इसमें, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी। गेरुवर्णी मतलब गेरुआ कलर से ये था, तो इसका गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन जो है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, मतलब उत्तर वैदिक काल से जो संबंधित मृदभांड संबंधित क्या है, तो चित्रित धूसर मृदभांड इसको PGW कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आए, तो भगवानपुर में मिले हैं चित्रित धूसर मृदभांड, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, मतलब कि जो अभी प्राचीनतम विवाह हो रहा है इसमें पूछ रहे विवाह सूक्त का जो ये किस में पाया जाता है, तो ऋग्वेद में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघर्ण्य, देखो वध योग, देखो ऋग्वेद में गाय को बहुत पवित्र माना गया है और गाय का मतलब कि वध नहीं करना चाहिए, गाय वैसे भी हम लोग गाय को माता मानते हैं, तो ऋग्वेद में गाय को अघर्ण्य कहा गया। फिर अघर्ण्य किसके लिए प्रयोग किया गया था ये शब्द, तो ये गाय के लिए किया गया था, हमने पहले देख लिया गाय के लिए किया गया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतशयगोप कहा गया है, तो ऋतशयगोप किसको कहा गया है, तो ऋतशयगोप जो कहा गया है वो वरुण को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वरुण को कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, इसमें कौन मतलब कि मूलतः समुद्र या जल के देवता थे, तो वरुण थे, इसका राइट आंसर है वरुण थे। अगला क्वेश्चन है, तीन क्रमों मतलब तीन पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, उपक्रम किसको कहा गया है, तो विष्णु भगवान को कहा गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विष्णु को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी तो समाज व्यवस्था से संबंधित थी, इसमें स्त्री की विवाह वगैरह और बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन मनुस्मृति को अब शायद अब जला दिया गया है, तो मनुस्मृति किससे संबंधित थी, समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो इसमें पूछा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो ये विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, यही है, तो इसका किया था विश्वामित्र ने, इसका राइट आंसर है विश्वामित्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता ईरान से संबंधित है, अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, इसमें कौन सी इनकी जो एक विशेषता नहीं है, तो देखो वे लोग अश्वरथ कांस के उपयोग से परिचित थे, वे लोग लोहे से नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के सात आर्यों के संबंध के सूचक हैं, तो ये कुंभा और क्रम, कुंभा क्रम का मतलब ये भी पूछ लेगा कुंभा क्रम नदी कहाँ पे थी, तो अफगानिस्तान में, और इसका उल्लेख आर्यों के साथ हुआ है, कुंभा क्रम ये नदी है।
और अगला जो क्वेश्चन है, धर्म धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, मतलब कि ये अब इसमें ऑप्शन दिया है, पूछा है कौन सा सही है। पहला दिया है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। दूसरा है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में है, मतलब इसमें पूछा कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, इसमें पूछा है कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, तो हमें इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हुआ ए, मतलब सी, ए और बी जो ऑप्शन में थे, मतलब पहला और दूसरा, ये दोनों सही थे, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष जो लिया था ना, वो बीजी तिलक ने लिया था। इसका राइट आंसर है बीजी तिलक ने। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी, मैंने आपको पहले ही बता दिया 1028 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, मतलब पूर्व वैदिक आर्य जो थे उनका धर्म मतलब क्या था, वो किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा अर्चना करते थे, तो वो पूजा का मतलब देखो प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। पतंजलि कौन थी, देखो पतंजलि जो थे ना वो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण, मतलब पाणिनि ने क्या अष्टाध्यायी लिखा है, मतलब संस्कृत व्याकरण जो है अष्टाध्यायी लिखा है, उसके उसके एक टीकाकार थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन है सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, मतलब कि सतपथ ब्राह्मण से संबंधित जो राजा विदेह थे, माधव थे, उनसे संबंधित कौन से ऋषि थे, इसमें पूछा है कौन से ऋषि है, तो ऋषि गौतम थे, ऋषि गौतम राहुगढ़ थे, तो इसका राइट आंसर हुआ ऋषि गौतम राहुगढ़। तो ये पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट भी करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा आगे की वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन।